हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं अपना चैनल साइंटिस्ट जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पृथ्वी यानी इस धरती से बाहर इसके चारों ओर जो कुछ भी है, पास है या बहुत दूर है, सब कुछ ब्रह्मांड कहलाता है। हम खुद भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ और इस घटना को वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। इसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक परमाणु यूनिट के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई चीज ही नहीं थी, सब कुछ एक पॉइंट में था। इस छोटे से बिंदु में अचानक एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज हुई और यह एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसका इफेक्ट आज तक है, जिससे हमारा यूनिवर्स लगातार फैलता हुआ जा रहा है। इस विस्फोट के बाद यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ और इन गैलेक्सीज में बहुत सारे तारे, जिनको हम बहुत सारे सूर्य कह सकते हैं, इन सभी तारों का जन्म हुआ और तारों के साथ बहुत सारे ग्रह, ग्रहों के उपग्रह और बहुत सारे धूमकेतु, स्टेरॉइड्स और भी अन्य कई खगोलीय पिंडों ने जन्म लिया। इन सभी से ही मिलकर हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स बना है। प्रेजेंट में साइंटिस्ट हमारे ब्रह्मांड का डायमीटर 28 अरब पार्सेक मानते हैं। एक अरब एक पार्सेक 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे।